Hey everyone, welcome back to my new vlog. और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:20 और 9:40 पे ऑनलाइन क्लास है जैसा कि आपको पता ही है. और अभी तो मैं उठाई था 9 बजे उठ चुका था. और अभी फिलहाल बाहर का वेदर कैसे दिखते हैं? सही है गाइज, ऑलमोस्ट सही है, पर ठंड हो रही है इसलिए आज मैं उठ नहीं पाया जल्दी. 6 बजे उठने की कोशिश की थी पर उठ नहीं पाया आज भी. तो अब तो फिलहाल ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो अभी जल्दी से तैयार होते हैं और फिर ऑनलाइन क्लास लेंगे. तो गाइस नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ, कपड़े भी डाल लिए और अभी तो 5 मिनट है क्लास स्टार्ट होने में. तो इतने नीचे चलते हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है. ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे और भगवान जी के दर्शन भी कर लेंगे, तो चलते हैं नीचे. तो गाइस काफी दिन हो चुके हैं लिफ्ट में गए, तो लिफ्ट में चलते हैं सेकेंड फ्लोर पे. फर्स्ट फ्लोर पे लेके आते हैं इसको, लेके तो क्या आएंगे, अपने आप ही आएगी. आ चुकी है, बहुत स्लो चलती है आज के लिए, पहले सही चलती थी. काफी दिन हो चुके हैं ना सर्विस होए हुए. लाइट जसा लेते हैं इसमें और चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे. वैसे ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, बस 10-15 पैड़ी है, फिर भी मैं लिफ्ट में जा रहा हूँ क्योंकि कई दिन हो चुके हैं. तो चलते हैं, देखते हैं, मजा आ रहा है वैसे लिफ्ट में जाने में, अलग ही मजा आएगा. चलते हैं, खुल जा सिम सिम. तो गाइस मैं नीचे आ चुका हूँ किचन में और ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल दलिया, तो काफी टेस्टी लग रहा है. काफी दिनों बाद बनाया वेजिटेबल दलिया, देखते हैं कैसा रहता है. तो तूने भगवान जी के दर्शन भी करिया, चलते हैं. तो आ चुके हैं मंदिर में और दादी जी ने पूजा कर ली और बंद कर दिया है. बंद रहते रहते नहीं इसलिए बंद कर दिया, बंदर अंदर घुस जाते. एक दिन अंदर घुस चुके थे और सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ नीचे गिरा दिया था. ये भी मूर्तियां भी नीचे गिरा दी थी. तो फिर कोई बात नहीं, बंदर थे क्या कर सकते हैं, इंसान तो था नहीं कि उसको डांट देंगे. बंदर थे, कोई बात नहीं, कर गए. तो अभी तो फिलहाल दर्शन करते हैं भगवान जी के. तो गाइस दर्शन भी कर लिए और यहाँ पे थोड़ा सा वो हो रहा है, अभी धूप करी है ना इसलिए थोड़ा सा वैसा हो रहा है, धुंधला धुंधला सा. तो अभी चलते हैं अंदर, ब्रेकफास्ट करते हैं, बंद कर देते हैं वरना दोबारा से मंदिर घुस जाएंगे, अगर घुस गए तो दिक्कत हो जाएगी, दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा. बंद कर देते हैं इसको, बंद हो चुका है, अब चलते हैं अंदर. तो गाइस चलते हैं अंदर, ब्रेकफास्ट करेंगे, काफी टेस्टी लग रहा था दलिया. Much later. तो गाइज मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, फिर ऑनलाइन क्लास लेने लग गया था और 2 ऑनलाइन क्लास हो चुकी है और तीसरी अभी 11:20 पे और अभी 11:10 हो चुके हैं. तो आज तो वेनसडे है ना, इसलिए कोई गेम्स की, कोई आर्ट्स की, कोई म्यूजिक की ये क्लास चल रही है आज, पढ़ाई की नहीं है. तो कोई बात नहीं, 11:20 पे भी क्लास है. तो अभी मैं तो मार्केट जा रहा हूँ, 11:20 की क्लास वो होगी लीव आज, कोई बात नहीं चलते हैं. और आपको बताते हैं कहाँ जा रहा हूँ, पहले तो लाइट बंद कर देते हैं गाइज, नो वेस्टेज ऑफ फ्यूल्स, कोई बात नहीं चलते हो. तो गाइस फिलहाल हम जा रहे हैं हलवाई के पास ये आटा देने, इसमें आटा है इस थैली में क्योंकि हमें गूंद के लड्डू बनवाने, तो इसलिए हलवाई को देख के आ रहे हैं. हमेशा हम ही बनाते हैं पर इस बार हम हलवाई को देख के आ रहे हैं. बीच में गाजर पाक बनवाया था, अब वो ख़त्म हो चुका है, तो दूध के साथ कुछ होना चाहिए ना. तो गूंद के, सर्दी में गूंद के लड्डू सही होते हैं, तो काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, उससे वेट भी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, बढ़ जाता है. तो कोई बात नहीं, सर्दी में अच्छा रहता है इसलिए हम ये आटा दे के आ रहा है हलवाई को. तो चलते हैं, हलवाई हमारे रिश्तेदार ही है गाइस, इसलिए दे के आ रहे हैं वरना हम खुद ही बनाते घर पे. अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पहुँचने के बाद. Few moments later. गाइस हलवाई की दुकान में पहुँच चुके हैं और अभी अंदर चलते हैं, आटा दे के आते हैं. Much, much later. गाइस हलवाई के से आ गए थे, आटा दे आए थे हलवाई को और फिर मैं दुकान पे चला गया, तो थोड़ा बहुत सामान लाना था, सब्जी वगैरह लानी थी, सब्जी भी ले आए हैं. आज कुछ स्पेशल बन रहा है खाने में इसलिए बहुत सारी सब्जी लाए हैं, मिक्स वेज लाए हैं, मतलब कई सारी सब्जियां लाए हैं. और अभी तो फिलहाल ऑनलाइन क्लास है मेरी 1:10 पे और अभी टाइम हो चुका है, देखिए 1:14 हो चुके हैं और 1:10 पे मेरी क्लास भी है. तो ये म्यूजिक की क्लास है गाइज, तो म्यूजिक की क्लास है, करके देखते हैं क्या सिखाते हैं म्यूजिक में, मतलब ऑनलाइन क्लास में भी क्या सिखाएंगे, तो देखते हैं क्या रहता है. पहली बार ही ले रहा हूँ ऑनलाइन क्लास म्यूजिक में, देखते हैं. अभी कनेक्टिंग हो रही है, टाइम लगेगा, टाइम तो ज़्यादा नहीं लगेगा, बस होने वाली हो गई. द मीटिंग होस्ट विल लेट यू इन सून, कनेक्टिंग. अभी देखते हैं कब तक होती है ये. और अभी तो टाइम एक सवा एक हो चुका है. तो गाइस ये स्टार्ट हो चुके और अभी क्लास लेते हैं और आपसे मिलते हैं. क्लास लेने के बाद फिर लंच भी करेंगे और आज कुछ स्पेशल बन रहा है लंच में, आपको दिखाएंगे. तो अभी पहले क्लास लेते हैं, इसके बाद ये बस सारी क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब 1:50 पे खत्म हो जाएगी सारी क्लास. 1:10 पे स्टार्ट हुई है तो 1:50 पे खत्म हो जाएगी, 40 मिनट की सारी क्लास होती है. तो अभी तो क्लास लेते हैं और आपसे मिलते हैं क्लास लेने के बाद. तो गाइज ऑनलाइन क्लास सारी कंप्लीट हो चुकी है और दिन के 2 बज चुके हैं और लंच भी रेडी हो चुका है बिल्कुल. और ये देखिए गाइज आज है खाने में अनकुट
काफी दिनों बाद अन्नकूट बना है और साथ में चावल है, मिक्स वेज है और ये बाजरा है, ये मूंग है और कड़ी है। तो गाइस इसका काफी तगड़ा कॉम्बिनेशन होता है। दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा होती है ना, जब बनता है ये, और हमारे तो हमेशा ही बनता है उस दिन गोवर्धन पूजा वाले दिन, और उसके बाद भी पता नहीं दिवाली के बाद सीधा अब खा रहा हूँ। बीच में बना होगा पर याद नहीं है मुझे, पर काफी टेस्टी होता है। डेली ये मिल जाए ना गाइस मजा आ जाएगा, काफी टेस्टी लग रहा है। तो अभी तो जल्दी से खाते हैं, काफी टेस्टी होता है ये, और जिन्होंने खाया उसको तो पता ही होगा, और जिन्होंने नहीं खाया वो खा के देख ले, काफी ज्यादा टेस्टी होता है। तो अभी तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो खाते हैं जल्दी से और आपसे मिलते हैं खाने के बाद। गाइस काफी टेस्टी है। 3 hours later. तो गाइस लंच हो गया था, काफी टेस्टी था अन्नकूट और मजा आ गया खाने में। और अभी तो दिन के 5 बज चुके हैं और मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने लग गया और मूवी देखी थोड़ी देर, और अभी 5 बज चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं। जैसा कि सुबह मैंने आपको बताया था ना कि हम आटा दे के आ रहे हैं हलवाई को, तो अभी जा रहे हैं, 5 बज चुके हैं, तो काफ़ी देर हो चुकी है, लगभग 10 घंटे हो चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, 10 तो नहीं मतलब 6-7 घंटे हो चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं देख के आते हैं बन चुके हैं या नहीं, तो अभी चलते हैं हलवाई के पास। तो गाइस लड्डू तैयार हो चुके हैं बिल्कुल, और अभी अंकल डाल रहे हैं इसके डब्बे के अंदर, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल गोल शेप में अंकल जी ने कर दिए हैं बिल्कुल बढ़िया तरह से, और अभी हम घर लेके जाएंगे इसको। अंकल जी इस डब्बे में डाल रहे हैं सेट करके। तो गाइस गूंद के लड्डू ले घर आ चुके हैं, और अब तो मतलब दूध के साथ गूंद के लड्डू चलेंगे। गाजर पाक तो खत्म हो गया ना, इसलिए अब गूंद के लड्डू बनवा लिए और दूध और गूंद के लड्डू चलेंगे। सर्दी काफी हो रही है ना, तो गूंद के लड्डू और दूध खाएंगे, गर्माहट मिलेगी, तो अब तो लड्डू ही खाएंगे सुबह ब्रेकफास्ट में भी। अब अंदर चलते हैं गाइस, लड्डू ले लिए अंदर, घर रख भी दिए अंदर, तो चलते हैं। तो गाइस मार्केट से आ गया था, फिर थोड़ी देर पढ़ाई करने लग गया, थोड़ा बहुत काम करने लग गया स्कूल का, और अभी टाइम हो चुका है 8:30 बज चुके हैं। तो अभी डिनर करते हैं पहले, तो फिर बाहर चलेंगे खेलते हैं, खेल लेंगे थोड़ी देर बैडमिंटन, पहले डिनर करते हैं फिर चलेंगे बाहर खेलने। गाइस डिनर हो चुका है और यहाँ पर गूंद के लड्डू को डिब्बे में पैक किया जा रहा है, पापा इनको डिब्बे में पैक कर रहे हैं, 3-4 डब्बों में पैक कर रहे हैं, और अभी तो इसमें था ये क्या है इसमें था, और अभी स्टील के डब्बे में पैक कर रहे हैं। तो अपन भी एक ले लेते हैं दूध के साथ खाएंगे, तो ये रखा दूध, और अभी दूध और लड्डू खाते हैं। डिनर तो हो गया, अभी दूध और लड्डू लेते हैं, चेक करते हैं कैसा है। तो गाइस डिनर भी हो चुका है और लड्डू भी टेस्ट कर लें, लड्डू काफी टेस्टी था, दूध और लड्डू मतलब मजा आ गया खाने में, और सुबह खाएंगे और सुबह तो और मजा आएगा। और अभी टाइम हो चुका है 8:52, और अभी बाहर चलते थोड़ी देर बैडमिंटन खेलेंगे पापा के साथ, चाचा जी के साथ और भैया के साथ, सारे खेलेंगे मतलब, थोड़ा बाहर चलते हैं फिर खेलेंगे बैडमिंटन। अभी हम फिलहाल खाना खा के बाहर आए हैं, थोड़ी देर डाइजेस्ट करते हैं खाने को, और अभी पापा जी के साथ खेल रहा हूँ काफी दिनों बाद, मतलब मुद्दत होगी खेले पापा जी के साथ, अभी खेलते थोड़ी देर। मतलब अपने से बड़े के साथ खेलने में अलग ही मजा आता है, पर टक्कर के में भी मजा आता है, पर अपने से बड़े में खेलने में स्वाद अलग है। तो गाइस पापा के साथ तो खेले, पापा के साथ काफी मजा आ रहा था, और कल हमारी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि 2 बल्ले थे ना और हम 4-5 बच्चे थे सारे, और कंट्रोवर्सी हो गई कि मैं खेलूंगा, तो नितिन अभी दुकान से बल्ले ले आया कल ये वैसे लड़ाई करने लग गया कि मैं खेल रहा हूँ, कल हार भी गया था भाई से, मैं जीता था, हार गया था। तो गाइस ये 2 बल्ले भी लाए, दुकान पे रखे थे, ये नितिन 2 बल्ले ले आए दुकान वाले भी, और ये घर वाले भी हैं, तो अब 4 जने खेलेंगे एक साथ, मतलब 2-2 की टीम में डुओ करेंगे, एक तरफ दो, दोनों तरफ दो खेलेंगे, और काफी मजा आएगा, मतलब रूटीन सी बन रही है बैडमिंटन खेलने की, काफी मजा आता है शाम को खेलने में। तो अभी खेलते हैं थोड़ी देर, 4 बल्ले हो गए, मैं तो नया वाला लूंगा गाइस, और तू कौन सा लेगा, पुराना वाला? नया वाला। दोनों नया ले लेते हैं और 2 बाकी मेंबर्स को दे देते हैं, पुराने वाले लो भाई, चलो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस खेल के अंदर आ चुके बैडमिंटन, और जो मजा आया खेलने में मतलब स्वाद सा आ गया, और 9 बजे बाहर गए थे और अभी 9:35 हो चुके हैं, और मजा आ गया खेलने में, मतलब टूर्नामेंट चल रहा था, दो एक तरफ, मैं और नितिन थे, चाचा और भैया थे, तो मजा आ गया, और मैंने थोड़ी देर पापा के साथ भी खेला सिंगल, और मजा आ गया, मतलब पूछो मत कितना मजा आया, और पहली बार इतने पसीने आए हैं खेलते समय बाहर रात को वो भी, तो मजा आ गया। और आज कुछ ज्यादा किया नहीं, बस थोड़ी देर, और आज लड्डू बनवाए थे हलवाई से गूंद के, और गूंद के लड्डू भी काफी अच्छे बने। और इसी के साथ व्लॉग को भी एंड करते हैं, व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना, और मिलते गए जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।